अब बात करेंगे करनाल अनाज मंडी की, जहां पर 7 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री की तरफ से उनके परिजनों के लिए घोषणा की गई है कि आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी। तो करनाल अनाज मंडी में पिछले एक हफ्ते में अज्ञात बीमारी से 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती 57 मजदूरों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने यहां पर मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के गुरुद्वारा साहिब में नहीं पहुंचने पर सिख समाज के लोगों की नाराजगी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब में बिंदरा वाले की फोटो लगी थी, सिख समाज के लोगों को फोटो हटाने के लिए कहा गया था लेकिन फोटो को वहां से नहीं हटाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्होंने गुरुद्वारा साहिब जाने का फैसला बदल दिया। लोगों की मृत्यु हुई है, बड़ी दुखद ये घटना है और इसमें अभी चूंकि छानबीन तो सब हो रही है, उसका वास्तविक कारण क्या है उसकी तो रिपोर्ट जैसे आएगी तब पता लगेगा, क्योंकि पानी के खराब होने की बात भी आ रही है, कुछ ये चर्चा भी है कि उन लोगों ने खाने पीने में कुछ चीज़ फूड पॉइजनिंग के नाते से कोई चीज़ खा ली है, लेकिन अभी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मंडी के लोगों ने 50,000 रुपया हर एक मृतक को दिया है और मार्केटिंग बोर्ड की ओर से 1-1 लाख रुपए की और सहायता इनको दी जाएगी। मैंने समय दिया था लेकिन समय देने के बाद जब हमें इस बात की जानकारी मिली कि वहाँ भिंडरा वाले का फोटो लगा हुआ है, हमने कहा था इस भिंडरा वाले के फोटो को आप उतार दें तो मैं निश्चित आऊँगा। उन्होंने फोटो उतारने के लिए मना किया, हमने कार्यक्रम सवेरे 9 बजे ही रद्द कर दिया था, मैंने अपनी ओर से बता दिया था इसका उनको और फिर उनको मना भी किया। प्रातःकाल 9:15 बजे वहां पर संदेश दे दिया था आज कार्यक्रम उनका मेरा रद्द हो जाएगा, ये मैंने पहले से बता दिया था।